इसका जो है ना इसका ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है। कहाँ पर है ये? ये बाघमारा ब्लॉक में झगराही एक गांव है और उसी में ये गांव में ही ये फार्म है। एक नामी चेहरा है प्रदीप पांडे जी और इन्हीं का ये फार्म है और आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे केला लगा हुआ है जो पूरी तरह से लगभग तैयार है, मार्केट में निकल भी रहा है। तो आप प्रदीप पांडे जी से पूछिए कि आपको ये बेहतर जानकारी दे सकते हैं क्योंकि ये कृषि वैज्ञानिक ही हैं। तो जैसे केला हम लोग सुनते हैं कि हाजीपुर में होता है या बंगाल से ही ज़्यादातर सप्लाई होता है, तो कैसा अनुभव रहा ये झारखंड की धनबाद के पास की मिट्टी वहाँ पर केला उगाते हुए? देखिए पहले तो ये है कि लोगों का ये समझ है कि केला बहुत पानी चाहिए केला को। मैं चाहूंगा कि आप इसकी धरती को देखिए, पूरा फटा हुआ है। ये झारखंड की जमीन है, ये पूरा धरती फटा हुआ है, इसके बावजूद भी इतना आपको फ्रूट्स नजर आ रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सामने देखिए कि ये केवल क्या है ना, एक केला को केवल 2 लीटर पानी चाहिए रोज, और वो भी तब तक चाहिए जब तक उसमें फ्रूट नहीं आ जाता। तो 2 लीटर पानी आपको देना है। आप देख रहे हैं कि नीचे ड्रिप लगा हुआ। ये जो ड्रिप है ना, ये हर पौधे को 2 लीटर पानी दे देता है। तो कितने देर तक चलाते हैं अगर ड्रिप? ये केवल मतलब हार्डली, जैसे नमी केवल हमको चाहिए, हमको पानी पटाना भी नहीं। केवल 15 मिनट भी आप चला दें तो इट इज एनफ। अब देखिए सामने, अब ऐसा है कि इस जगह पे जो केला हम लगाए हैं ना, इस केला का स्पेसिंग बहुत मायने रखता है और इसमें मामूली सा मेंटेनेंस है। और ये मेंटेनेंस के लिए एक चाकू चाहिए और कुछ नहीं, जो इजीली आप अपने कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये पत्ता जो है ये खत्म हो गया, सूख गया, तो इसको काट देना चाहिए क्योंकि ये अब विटामिन टॉनिक इसका क्यों लेगा। सही बात है। और जब इस तरह का घोद सब आ जाए ना, तो उस समय उसमें कीड़ा नहीं लगे इसके लिए आप इसमें कोई ऐसा चीज डाल दीजिए। जैसे सबसे सस्ता आपको बताते हैं, 10 रुपये में आपका इलाज हो जाएगा, कपूर। आप जानते हो उसका कपूर जो पूजा वाला आता है छोटा सा, उसका एक आध डली रख दीजिए, कोई कीड़ा बेड़ा नहीं आएगा, कोई हेडेक नहीं होगा, सस्ता में आपका उपाय हो गया और उसे किसी को खा के नुकसान भी नहीं होगा। नहीं। और लोगों को ये मानसिकता तोड़ने में भी हम सफल हुए कि धनबाद में भी केला हो सकता है। उसके बाद सरकार ने इस पर पहल किया और अनुदान पर उन्होंने केला का पौधा दिया और कई एक जगह जैसे गोविंदपुर में, टुंडी में, बलियापुर में कई एक किसानों ने लगाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। स्पेसिंग कितना यहाँ पर रखा गया है? देखिए इसमें क्या है ना, जो हम ड्रिप लगाते हैं वो 1.2 मीटर पे लगाते हैं, ठीक, और एक ड्रिपर से दूसरा ड्रिपर का जो स्पेसिंग है वो 1.5 फीट है। तो तीसरे पर लगाइए, देखिए आप एक पे लगा हुआ है तो 1-2 तीसरे पर मैंने 4.5 फीट पे लगाइए। ये स्पेसिंग बहुत क्लोज्ड है लेकिन आप 4.5 फीट पे लगाइए। नॉर्मली लोग 6 फीट से कम में नहीं लगाते। हम बोले क्यों जमीन को बर्बाद करें। वैसे भी उधर पपीता के बीच में हल्दी है, पूरा हल्दी लगा हुआ है, हल्दी राजेंद्र सोनिया लगा हुआ है। वो स्पेशलिटी उस हल्दी की ये है कि उसमें करकुमिन की मात्रा ज्यादा है जो कैंसर रोधी है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बोला जाए तो कितना हो सकता है अगर 1 एकड़ को प्लान किया जाए? तो नॉर्मली 1 एकड़ में हम लोग सब्जी वर्गीय फल लगाते हैं ना, तो वो 5500 लगता है। तो 5500 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, उतना में लग जाएगा। अच्छा, 5500 डिवाइड बाई 3 है तो केला में कोई झमेला नहीं। और खुद ही अपने आप को संभालने के लिए जैसे अमरूद और आम को हम लोग देखते हैं, तो केला भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। केला में है क्या ना, देखिए लोग बोलते हैं कि लेबर प्रॉब्लम, हम जहाँ रहते हैं ना इसे 1 किलोमीटर दूर में पूरे BCCL का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलता है मुराइडी, और आप जानते हैं एक साइकिल ठेल लेगा वो 500 कमा लेगा, वो क्यों आएगा आपके पास काम करने। सही बात है। ऐसी स्थिति में लेबर प्रॉब्लम भी है तो भी आप लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, ड्रिप लगा लेना है, प्रॉपर पौधा लगाना है। इसको मेन जो खाद बोल के चीज आप देते हैं ना,
तो खाद में जैसे गोबर आप डालिए, केचुआ खाद डालिए और पोटास वर्गीय, इसको मतलब ताकत चाहिए पोटासियम के लिए। पोटास के लिए क्या हम लोग करते हैं ना, पत्ता जला हुआ या नहीं तो कोल फील्ड है तो कोयले का भी छाया है वो आप डाल दीजिए और फिर देखिए राख जो हम बोलते हैं। सही बात। इसमें और एक मजेदार चीज आपको बता दें जो हमने करके देखा है, जैसे ये केला है ना, ये जो केला है या इसमें जो फल ये चीज लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है तो इसको तोड़ देना थी, जैसे हम तोड़ दिए ऐसे तोड़ देना थी। और इस जगह जो है ना, यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा गोमूत्र लीजिए और थोड़ा सा केचुआ खाद लीजिए, उसको एक पॉलिथीन में भर लीजिए, गीला गीला सा हो जाए, और उसको इसमें पहना दीजिए और रबर बैंड लगा के रख दीजिए। अब बोलिएगा इससे होगा क्या? देखिए, जैसे पौधा खाना जड़ से भी बनाता है और फोटोसिंथेसिस से भी लेता है, सही बात है, तो ये जो उल्टी प्रक्रिया है, जो ऊपर से लेने की प्रक्रिया है ना, जैसे इसके पत्ते में धूप पाएगा ना तो इसका फल भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? वो भी ले रहा है कहीं से। तो वो जो लेने की प्रक्रिया है ना, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि इसको आप कीजिएगा तो आपका ये फ्रूट साइज मोटा हो जाएगा। और दूसरा क्या है ना, इसमें पत्ता जितना देखिए, इधर देख लीजिए पत्ता सब है ना, जितना मल्चिंग हो गया ये जो पत्ता सब गिरा हुआ है ना, ये पत्ता मेरे अगले फसल की तैयारी कर रहा है और ये प्रॉपर खाद होगा। देखिए उधर भी जमा करके डंप करके रखा हुआ है ना, इसका पत्ता काट काट के यही रखते हैं, फिर अगले फसल में ये खाद का काम करेगा। बहुत बढ़िया। ड्रिप के अलावा स्प्रिंकलर जो है, ये जो स्प्रिंकलर है ना, इस स्प्रिंकलर की खासियत क्या है कि नॉर्मली लोग 5 फीट पे रखते हैं फसलों के लिए, धान गेहूं मकई के लिए, हमने और एक रड लगा दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। अब जिस समय इसको हमको बढ़वार चाहिए था, फल लाने के लिए पौधा का मजबूत होना जरूरी था, तो उस समय हम इसको बरसात कर देते थे 5 मिनट, उसी का रिजल्ट है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर। और इसी तरह की कोई बात नहीं है, बात ये है ना कि इन सब चीजों का प्रचार प्रसार हो, ताकि जो नहीं भी कर रहे हैं, जिनके पास जमीन पड़ी हुई है उनको क्या है भैया, वो अपने से भी खुरपी लेके और केला को लगा दें, ड्रिप लगा लें, उसमें कुछ कोई किसी का कोई विशेष मेहनत भी नहीं है और चीज का उपयोग होगा। एक तो पत्ता है तो पर्यावरण है, उसको फायदा मिलेगा, वो जो जंगल झाड़ आप उगा रहे हैं उसकी जगह पैसा उगाइए ना। सही बात। आपका क्या अनुभव रहा? मैं तो इनसे हमेशा मिलता रहता हूँ, कभी भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनके पास जानकारी एक्सपीरियंस और ये जैविक केमिकल हर तरह के खेती में महारत हासिल है। मुझे ये आज ये जानकारी हुआ कि कपूर का यूज आप कीड़ा को दूर भगाने के भी कर सकते हैं, तो किसान भाई इस टेक्निक को अपना सकते हैं और केले की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।